वेलकम इन एंटिक टेटम। अगर आप भी एंशिएंट घटनाओं और शासकों में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स में छोड़ें ताकि हम उसके ऊपर बेस्ट और भी अच्छी वीडियोस बना सकें। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि भारत पर मुस्लिमों का शासन था, पर क्या कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्या कारण था कि मुस्लिम भारत पर शासन करने की ओर बढ़े, या भारत पर मुस्लिमों का शासन क्यों था? आइए जानते हैं इसके बारे में। दोस्तों, भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम ने किया 712 ईस्वी में। इसने भारत के सिंध प्रांत पर आक्रमण किया। उस जगह पर ब्राह्मण साम्राज्य का शासन था और वहां के शासक जाज थे। मोहम्मद बिन कासिम ने जाज के बेटे राजा ताहिर को हराया और सिंध अरब साम्राज्य के अधीन आ गया। 10वीं शताब्दी तक एशिया की राजनीतिक समीकरण में बदलाव आया और गजनी साम्राज्य अपने अस्तित्व में आया। 998 में महमूद गजनवी गजनी साम्राज्य के पद शासक बना और इसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। इन 17 आक्रमणों में से भारत पर सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण सोमनाथ मंदिर का आक्रमण और कन्नौज आक्रमण था। इन 17 आक्रमणों में महमूद गजनवी ने भारत को लूटा। इन किसी भी आक्रमण में महमूद गजनवी का कोई इरादा भारत पर शासन करने का नहीं था। भारत पर तीसरा आक्रमण मोहम्मद गोरी के द्वारा किया गया। मोहम्मद गोरी गोर का शासक था। 1191 में अपनी साम्राज्यवादी नीति के कारण यह भारत पर आक्रमण करने आया। उस समय अजमेर का शासक पृथ्वीराज चौहान था, जिसके अधीन दिल्ली थी। जब मोहम्मद गोरी भारत पर आक्रमण करने आया तो इसका सामना पृथ्वीराज चौहान के साथ तराइन के मैदान में हुआ। 1191 में तराइन की पहली लड़ाई होती है। इस लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं और मोहम्मद गोरी हार जाता है। पर मोहम्मद गोरी एक साल बाद दोबारा तराइन के मैदान में आ खड़ा होता है और 1192 में तराइन की दूसरी लड़ाई होती है, पर इस लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं और भारत मोहम्मद गोरी के अंतिम आ जाता है। मोहम्मद गोरी भारत पर शासन ना करके यहाँ से जीती हुई संपत्ति अपने साम्राज्य गोर ले जाता है और अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत पर नियंत्रण बनाने के लिए छोड़ जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक 13वीं शताब्दी के शुरुआती 6 वर्षों तक दिल्ली को अपने नियंत्रण में रखता है, परंतु 13वीं शताब्दी के शुरुआत में एशिया की राजनीतिक समीकरण फिर से बदलती है और मंगोल साम्राज्य अपने चरम पर आने लगता है। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद इल्तुतमिस दिल्ली का नियंत्रण करता है। इल्तुतमिस और कुतुबुद्दीन ऐबक दोनों ही दिल्ली को अपने नियंत्रित रखने की कोशिश करते हैं, पर मंगोलों की विस्तारवादी नीति के कारण मंगोल अपनी सीमाएं बढ़ाते जाते हैं। मंगोलों का नेतृत्व चंगेज खां करता है। चंगेज खां लगभग एशिया के सभी इस्लामिक देशों पर अपना शासन स्थापित करता है और वो सभी देशों को रौंद देता है, वहाँ की संपत्ति को लूट देता है और मंगोल शासन की स्थापना कर देता है। जब इस समय लगभग सभी इस्लामिक राज्य खत्म होने लगते हैं तो भारत ही एक ऐसा राज्य बसता है जहाँ पर इस्लाम और अपने धर्म को बचाए रखने के लिए इन्हें जगह मिलती है और सभी मुस्लिम इतिहासकारों और धर्म रक्षकों के लिए भारत एक आकर्षण का केंद्र बन जाता है और ये सभी भारत आकर बस जाते हैं और उस समय इस्लामिक राज्यों का केंद्र भारत बन जाता है और इस तरह भारत पर स्थायी मुस्लिम शासन की शुरुआत होती है। भारत पर मुस्लिमों का स्थायी शासन बलबन के द्वारा शुरू किया जाता है और इसी वजह से भारत पर स्थायी मुस्लिम शासन की शुरुआत होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें।